टीटेल लीग के फाइनल में धमाकेदार बल्लेबाजी करके अपनी टीम को जिताने वाले कैरेबियन खिलाड़ी और स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसल ने अब ऑस्ट्रेलिया की T20 क्रिकेट लीग BBL यानी बिग बैश लीग में भी मेलबर्न स्टार्स की तरफ से डेब्यू कर लिया है। उन्होंने इस ऑस्ट्रेलिया लीग में मेलबर्न स्टार्स की ओर से शुक्रवार 10 दिसंबर को पहला मैच खेला, लेकिन इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने उन पर कई कड़े नियम लगाए हैं। तो आखिर क्या है इसकी वजह, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। कोलकाता नाइट राइडर्स का दिग्गज ऑलराउंडर अब बिग बैश लीग में भी उतर चुका है, लेकिन उनके इस BBL डेब्यू पर अनेक कड़े नियम लगाए गए हैं। दरअसल वेस्ट इंडीज के खतरनाक ऑलराउंडर आंद्रे रसल इस टूर्नामेंट में सभी खिलाड़ियों से 2 मीटर की दूरी के साथ मैच खेलते नजर आएंगे। यह नियम उन्हें मैच के दौरान और मैच के बाद भी फॉलो करना होगा। रसल की एक अलग ही गेट से एंट्री होगी, ना ही रसल टीम के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर सकेंगे और उनका डगआउट भी अलग ही रहेगा। इसके साथ साथ मैच के दौरान विकेट मिलने पर भी आंद्रे रसल अपने साथियों के साथ जश्न भी नहीं मना सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भेदभावपूर्ण रवैया रसल के साथ क्यों अपनाया जा रहा है, तो हम आपको बता दें कि रसल T10 लीग खेल कर यहां पहुंचे हैं। यह लीग UAE में हुई थी, जिसके बाद रसल पिछले हफ्ते ही ऑस्ट्रेलिया आए हैं। इसको देखते हुए ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश लीग में कोरोना के खतरे को कम करने के लिए एक कड़े नियम रसल पर लगाए हैं। ऐसे में उन्हें यहाँ के कोरोना नियमों का पालन करना होगा। रसल ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 3 दिन ही क्वारंटाइन रहे, जबकि उन्हें 7 दिन रहना था। ऐसे में जब तक रसल के 7 दिन पूरे नहीं हो जाते, तब तक उन्हें इन नियमों का पालन करना होगा। गौरतलब है कि रसल ने मेलबर्न स्टार की ओर से सिडनी थंडर्स के खिलाफ 10 दिसंबर को अपना पहला मैच खेला, जहां उन्होंने 6वें नंबर पर खेलते हुए 9 बॉलों पर 17 रन बनाए हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट पे बस इतना ही। स्पोर्ट्स से जुड़ी अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।